देवास में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुंभकर्ण की नींद में सोए प्रशासन को जगाने के लिए और गौ माता की लगातार हो रही सड़क दुर्घटना में मौत को रोकने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक चंद्रशेखर बिश्नोई ने बताया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गौ माता की लगातार हो रही सड़क दुर्घटना में मौत को रोकने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, जिसके तहत रैली निकालकर हाईवे पर चक्का जाम किया गया। मौके पर पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी प्रिया चंद्रावत, तहसीलदार अरविंद दिवाकर, थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट के सामने अपनी बात रखते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक ज्ञापन SDM प्रिया चंद्रावत को सौंपा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल NH 59A पर रानीबाग में पिछले एक माह से 45 से 50 गोवंश एक ही स्थान पर एक्सीडेंट से मृत हुई है। उस संबंध में पिछली दो बार हमने अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन और आवेदन निवेदन के बाद में दो बार तीन बार अगले 24 घंटों में अनुभागीय अधिकारी द्वारा अगर कोई शासकीय आदेश निकाल अगर इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई अगर नहीं होगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण जिला सभी नगरों में चक्का जाम, धरना और नगर बंद का आह्वान करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।